हेलो, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रेन। आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर में। प्रिय बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं स्टेप नंबर 8, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। कार्य भूतकाल में जारी पाया जाता है, अर्थात इस टेंस में कार्य भूतकाल में चल रहा होता है, पिछले समय में चल रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके रूल्स हैं अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता सिंगुलर है तो हेल्प वर्ब में वाज लगाते हैं, और यदि कर्ता प्लुरल है तो हेल्प वर्ब में वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। इसमें कर्ता सिंगुलर है, कुत्ता भौंकने वाला सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्प वर्ब में वाज लगाया गया है। यदि यहाँ कर्ता प्लुरल हो, बहुवचन हो, तो वाज की जगह वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, बच्चे पार्क में शोर नहीं मचा रहे थे। इसमें कर्ता प्लुरल है, बच्चे, तो इसमें हेल्प वर्ब में वर आया है। जैसे बच्चे पार्क में शोर नहीं मचा रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग नॉइसी इन द पार्क। अब आता है बच्चों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया है कि हेल्प वर्ब शुरू में लेते हैं, तो इसका रूल्स होता है वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्कस। जैसे क्या शेर गुफा में सो रहा था, तो इसका करेंगे वाज लॉइन स्लीपिंग इन द डेन। यदि कार्य करने वाला या वाज या वर्ब इसमें शुरू में लगाते हैं, यदि क्या क्यों शब्द वाक्यों के शुरू में आता है तो क्या क्यों शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, इसमें हेल्प वर्ब शुरू में लगाते हैं। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्कस। जैसे तुम आज कहाँ जा रहे थे, अब इसमें कहाँ शब्द क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में लगाते हैं। जैसे वेयर वर यू गोइंग टू टुडे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।